Welcome to Geoobservatory. Let's continue our chapter second, in which we have read that the globe, what is the importance of globe to study our Earth, and how axis is working as a rotating point, and what is the importance of equator on our Earth, and parallels of latitudes. Okay, now we are going to learn in detail what is latitudes and what is longitudes. Okay, so important parallels of latitudes. Besides the equator, the north pole and the south pole, there are four important parallels of the latitudes. Okay, so simply अगर आपसे पूछे कि लैटिट्यूड्स व्हाट इज लैटिट्यूड ओके यू कैन से दिस दीज आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस ऑन अर्थ ओके means there is three important line, imaginary, horizontal and parallel, okay, in which we have read already that the equator is in center, which is parting our earth into two hemispheres. First is northern hemisphere and second is southern hemisphere. Okay, next. Apart from this equator, you know, equator is a very important line. Apart from this equator, we have some other, other important parallel lines, just like first Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn in south. Tropic of Cancer in north and Tropic of Capricorn in south, जो कि हमारा है 23.5 degree north पर and ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है हमारा 23.5 डिग्री साउथ ओके फिर इसके बाद हमारी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लाइन हो जाती है आर्कटिक सर्कल जो कि हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड अंटार्कटिका सर्कल 66 डिग्री 1.5 साउथ ओके अब इन जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है इनको इम्पोर्टेंट लाइन्स कैसे मतलब मार्क कैसे किया गया इसके पीछे कुछ रीजन है पहला नंबर तो आपको पता है कि हमारा जो सन है सन के चारों तरफ हमारा जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रहा है ये बात आपको पता है ठीक है दिस इज जस्ट इमेजिन इट इज आवर सन ओके सन के चारों तरफ हमारा अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ओके वेस्ट टू ईस्ट इसी वजह से कहते हैं कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट जस्ट बिकॉज जब हमारा जो अर्थ है वो आपके किस तरफ मूव कर रहा है ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है इसका मतलब उसका जो ईस्ट फेसिंग एरिया है वो सबसे पहले सन को टच करेगा या सन की रेस उसको सबसे पहले टच करेगी ईस्ट फेसिंग फेस को तो अगर इंडिया की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा सन है वो कहाँ दिखाई देता है आपका अरुणाचल प्रदेश ठीक है अरुणाचल प्रदेश जो कि आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ओके नेक्स्ट अब आते हैं इक्वेटर के अलावा अगर हमारा जो सन है जो हमारा जब अर्थ है जब वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है उसी के साथ साथ हमारा जो अर्थ है वो अपने जगह पर रोटेट करता है रोटेट और रेवोल्यूशन दोनों के वजह से हमारा जो सन है वो हमारे सिक्स मंथ आपका वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधा रेस देता है और सिक्स मंथ वो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधा आपका रेस पहुंचाता है ठीक है इसके अलावा सन की जो पोजीशन है वो इन्हीं दोनों के बीच में घूमती रहती है कभी वो कभी सन जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली शाइन करता है और कभी आपका जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्टली शाइन करता है जिससे कि आप कह सकते हो कि सन जो है इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव कर गया है और जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आता है तब हम कहते हैं सन जो है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में मूव कर गया है आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब जो सन है वो आपका जब सदर्न हेमिस्फीयर में मूव कर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव करता है तब यहाँ पर आ जाता है आपका समर सीजन
और जब आपका यही सन सदर्न हेमिस्फेयर में मूव करता है तब यहाँ पर आ जाता है आपका सदर्न समर सीजन। बट जब आपका नॉर्थ में समर सीजन है तो फिर आपका साउथ में कौन सा सीजन चल रहा होगा? विंटर सीजन। ओके नाउ अब आप जैसे देख रहे हैं कि हमारा जो सन है उसका जो मूवमेंट है वो सिर्फ इन दो एरिया के बीच में है। इन दो एरिया के बीच में होने की वजह से यहाँ पर पूरे साल भर में 6 महीने अगर वो यहाँ पर चमकता है और 6 महीने यहाँ चमकता है तो उसके बीच में जब इस बीच के अंदर में ही वो रहता है तो ये एरिया ऐसा एरिया हो जाता है जिसमें कि आप कह सकते हैं कि हीट सरप्लस एरिया हो जाता है ये, क्योंकि यहाँ पर सारा साल भर हमारा जो सन है वो शाइन कर रहा है, या कह सकते हो कि जो सन रेज है वो पूरे ईयर यहाँ पर डायरेक्टली शाइन कर रही है, जिसकी वजह से ये एरिया आपका बन जाता है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन का मतलब ही है हीट जोन। ओके जिसमें कि टेम्परेचर जो है इसका हमेशा हाई टेम्परेचर रहता है। ओके नेक्स्ट इज अब आ जाते हैं। अब देखिए अगर हम आर्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि यहाँ तक जो है हमारा जो सन है उसकी रेज तो पहुंचती है बट वो डायरेक्टली सीधी रेज ना पहुंचने के बजाय कुछ स्लांट हो जाती है, मीन्स थोड़ी तिरछी हो जाती है। ओके एज इट इज यहाँ पे भी जो रेज पहुंच रही है अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में वो रेज भी थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है। ठीक है इस स्टेटनेस की वजह से। और दूसरा आप ये कह सकते हो कि अगर रेज जब सीधी आई है तो यहाँ पर इसको कम से कम आपके एटमॉस्फेयर को कवर करना पड़ रहा है और ये डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है, लेकिन जब इस एरिया में जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर वो इस तरह से कवर करता है और इधर इसको जाने के लिए मैक्सिमम एटमॉस्फेयर को कवर करना पड़ेगा इन एरिया में अपना इफेक्ट डालने के लिए सन रेज। अब इस वजह से क्या होता है कि आपका जो ये एरिया है मिनिमम हीट पाता है। ठीक है इसलिए इसको कह सकते हो आप हीट डेफिसिट एरिया। ओके इसको कह सकते हो आप हीट डेफिसिट एरिया, जिसकी मतलब क्या है कि जिसमें कि हीट जो है वो कम होता है। ओके इसके अलावा आप जो इम्पोर्टेंट जो सर्कल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा एक चीज और भी समझने लायक है क्या कि इक्वेटर जो है वो हमारा ग्रेट सर्कल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ग्रेट सर्कल क्यों? क्योंकि जब आप सेंटर में, क्योंकि अर्थ इक्वेटर ने आपके अर्थ को बीचों बीच में सबसे ज्यादा मतलब बीचों बीच में इसको जो कट किया आपको बताया है, जैसे कि मैंने बताया कि पहले ही कि आपका जो अर्थ है वो यहाँ से आपका थोड़ा सा बल्गी है, उसके बाद जब यहाँ पर जाते जाते वो ऊपर अपना फ्लैट हो जा रहा है। दूसरा ये जब स्फेयर है ऑब्वियसली अगर यहाँ पैरेलल सर्कल्स बने हैं, ये पैरेलल तो हैं ये सर्कल्स हैं ये पैरेलल तो बने हैं आपके, पर साथ ही साथ क्या हो रहा है कि ये जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं इनकी जो पैरेलल्स की जो लाइनें हैं उनकी जो लेंथ है वो कम होती जा रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनका जो एरिया है वो भी कम होता जा रहा है। तो जब हम इसके जाते जाते जब एकदम हम ऊपर पहुंच जाते हैं तो इनका जो एरिया है वो एकदम डॉट तक पहुंच जाता है, मतलब क्या है कि 90 डिग्री पर जब हमारा लैटिट्यूड्स है उसकी जो क्या नाम है लेंथ है वो 0 ही है, मीन्स 0 किलोमीटर यू कैन से। ओके ओके नाउ कम टू द फ्रिजिड जोन। यस ये बचा रह गया था हमारा नॉर्थ नॉर्थ टेम्परेट जोन के बाद आ जाता है हमारा फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन आप इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर है वो मॉडरेटली पहुंच रहा है, मीन्स बहुत कम हीट पहुंच रही है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर तो सनशाइन बहुत ही कम होगी। आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर मतलब ऐसा होता है कि आपका जो फ्रिजिड जोन एरिया है मतलब ये जो नॉर्थ पोल एरिया है ये कई बार 24 घंटा यहाँ पर आप डे देख सकते हैं जब आपका सन जो है इस तरफ चमक रहा है, और आप इसमें देख सकते हैं 24 आवर्स इसमें नाइट भी आप देख सकते हैं जब आपका जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जा चुका है। मतलब क्या है कि यहाँ पर आप 6 महीने दिन और 6 महीने रातें भी देख सकते हैं नॉर्थ पोल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब सन इस तरह मूव कर जाता है तो यहाँ पर इसकी रोशनी सन की रोशनी बहुत ही कम पहुंचती है, इसी वजह से आपका जो नॉर्वे है उसको क्या नाम है मिड डे सन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहां पर आधी रात में कभी कभी सूरज दिखाई देता है जब हमारा जो सन है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पहुंचता रहता है तब। ओके और बाकी इसका कुछ और भी रीजन है, अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं इसको डिटेल में समझा सकती हूँ कि वाई आवर नॉर्वे इज नोन एज मिडनाइट सन। ओके नाउ द सेम स्टोरी इज ऑल्सो इन सदर्न हेमिस्फीयर,
Okay, so you can say the till Tropic of Cancer and till Tropic of Capricorn, there is a torrid zone, and till Tropic of Cancer and Arctic Circle, or 23.5 degree north to 66.5 degree north is our temperate zone, and the next from 60 degree to 90 degree south and 66.5 degree to 90 degree north is our फ्रीजर जो मीन्स यहाँ पर सारा साल आइसी एरिया रहता है और ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है. ठीक है, जैसे कि अभी इसमें आपके बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जस्ट लाइक टॉरिड जोन इज अ मैक्सिमम हीट एरिया, नेक्स्ट इज टेम्परेट जोन मॉडरेट टेम्परेचर, ओके, एंड नेक्स्ट एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and the Antarctic Circle, the South Pole in the Southern Hemisphere are very cold, okay? It is because here the sun does not rise above, much above the horizon, okay? Therefore, its rays are always slanting and provides less heat. These are therefore called frigid zone. This frigid ka matlab hota hai ki jo pool temperature jama hua hai, okay? Isi wajah se aap dekh sakte ho ki North Pole aur South Pole hamara basically frigid area hai jisme ki hamesha sara saal bhar barf jami rehti hai. Yes. Okay, now come to the next topic, our longitudes. Yes, then same hum longitudes ke baare mein baat karte hain ki longitudes are also an imaginary and imaginary vertical lines, okay, on earth. Okay, again, longitudes is also imaginary and vertical line. Okay, and now, अब इसमें देखने वाली कुछ बातें हैं जो इसमें अगर हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा क्लियर होती है. To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitudes of that place. You can see, for example, that Tonga Island in the Pacific Ocean and the Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude. 20 डिग्री साउथ. ओके, ये इसका मतलब ये है कि अगर आप एक हमारा ये अर्थ है, ओके, और अर्थ में एक लैटिट्यूड जो कि फर्स्ट है हमारा जैसे कि 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर, ओके, नेक्स्ट हमारा हो गया 20 डिग्री लैटिट्यूड साउथ में अगर हम बात करते हैं, 20 डिग्री लैटिट्यूड की बात करते हैं, और यहाँ पर एक हो गया मान लो 20 डिग्री हम नॉर्थ में भी बना देते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. ओके, अब जैसे कि अब ये बोल रहे हैं कि जैसे टोंगा आइलैंड जो कि पैसिफिक में है उसका जो सिचुएशन है वो भी 20 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे है. एंड नेक्स्ट इंडियन ओशियन जो है, इंडियन ओशियन में एक मॉरिशस आइलैंड है उसका भी जो लोकेशन है वो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे. ओके, अब आपसे कोई पूछे कि दोनों प्लेसेस एक प्लेस पे कैसे हो रहे हैं, ओके, बट ऐसा नहीं है, दोनों दो प्लेसेस एक पॉइंट पर कैसे हो सकते, नहीं हो सकते. Now, in order to locate them precisely, we must find how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to South Pole. These lines of reference are called the meridians of longitude. Okay. Now, the story starts for longitudes. Okay. इसके बारे में हम फिर डिटेल में अभी आगे पढ़ते हैं. पहले हम अपने प्राइम मेरिडियन और आपके मेरिडियंस के बारे में बात करते हैं. Okay, there is the line. Panels of east degree is further divided into minus. No, yes. Unlike parallel of latitudes, all meridians are of equal length. Thus, it was difficult to number the meridians. Hence, all the countries decided that the count should be begin from the meridian. Which okay, as you seen before, that jo aapki लैटिट्यूड्स है वो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन्स है जो कि आपके पैरेलली मूव कर रहे हैं, बट जब हम बात करते हैं आपकी लॉन्गिट्यूड्स की तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है, वो आपके वर्टिकल लाइन्स है, मीन्स जो कि आपकी स्ट्रेट सीधी लाइन है जिसके थ्रू जिसमें कि जीरो डिग्री जो है अगेन आपका एक लाइन खींची जिसने कि आपके जो अर्थ को दोबारा से दो पार्ट में डिवाइड किया. ओके, जिसको कि जिसका आपका ईस्ट पार्ट आप वेस्ट पार्ट आपको बोला गया है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्ट पार्ट हमारा जाना जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से. ओके,
अब मींस अगेन जस्ट फॉरगेट दीज इमेजिनरी लाइंस एंड जस्ट फोकस ऑन दिस एन जीरो डिग्री, एंड जीरो डिग्री को हमने नाम दिया इसमें मेरिडियन. ओके, हमने जीरो डिग्री को नाम दिया मेरिडियन. जैसे कि हमने इधर जीरो डिग्री जो कि हमारी पैरेलल थी, पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन थी, उसे हमने नाम दिया था इक्वेटर. एज इट इज हमने इस जीरो डिग्री जो कि हमारा नॉर्थ टू साउथ आ रही है उनको नाम उसको नाम दिया हमने मेरिडियन. ओके, जो कि आपकी ठीक पास हो रही है आपके पास्ट थ्रू ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड. ओके, this meridian is called the prime meridian. Its value is 0 degree longitude and from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. Okay, now again come to here and ab yahan se kya start karte hain, hum yahan se zuwara se start kiya aur ye sara meeting point iska 0 degree hota hai. Okay, यहाँ पर कोई मीटिंग पॉइंट नहीं था, ये जस्ट पैरेलल लाइन थी जब हमने लैटिट्यूड्स की बात करी थी. बट यहाँ पर जो मीटिंग पॉइंट है वो जीरो डिग्री होता है, मीन्स ये एक तरह से आप कह सकते हो सेमी सर्कल में बांटती है, ये हेमिस्फेयर में ना बांट के सेमी सर्कल में बांटती है, इस वजह से यहाँ पर 90 ना बनते, यहाँ पर 180 डिग्री हमें लाइन खींचनी पड़ी. ओके, तो ये हो गया हमारे जैसे लाइक 1 डिग्री, जैसे कि हमारा बन गया 1 डिग्री. एज इट इज हमने दोबारा इस तरफ से भी खींची लाइन जो कि हमारी हो गया 1 डिग्री. अगेन इट्स जस्ट वी कैन टेक इट जस्ट लाइक 15 डिग्री फॉर ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट लाइन यू कैन से इट कैन बी 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स. ओके, नाउ 45 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, 45 degree longitude now. Okay, as it is इस तरह से पूरा जो सर्कल है वो हमारा, अगर हम इसके पूरे बैक साइड तक जाते हैं तो ये पूरा हमारा 180 degree west longitudes बनते हैं और यहाँ पर 180 degree east longitudes बनते हैं. Okay, और अगेन ये जो जीरो डिग्री है वो जीरो डिग्री हमारा जो इसका नेक्स्ट हाफ सर्कल है इसका, इसके बैक साइड में वो दोबारा जीरो डिग्री जो है वो पास होता है, जिसको कि हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसके बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी हम इधर अभी तक के लिए हम इतना समझते हैं. तो अब अगर बात करते हैं, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो एक प्लेस था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इस प्लेस की लोकेशन जानना चाहते हैं तो हम कैसे जाने. ओके, जैसे कि हमारा ये हो गया मॉरिशस आइलैंड एंड टोंगा आइलैंड. सो टोंगा आइलैंड हमारा इस पॉइंट पर था. ओके, तो टोंगा आइलैंड की लोकेशन क्या होगी, साउथ वेस्ट. ओके, एंड हमारा जो पैसिफिक ओशन में और जो हमारा इंडियन ओशन में मॉरिशस आइलैंड है उसकी लोकेशन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट, नो सॉरी साउथ ईस्ट. ओके, ये हमारी हो गई आपकी टोंगा आइलैंड की लोकेशन. अब इससे हमारा ज्यादा क्लियर होता है वो पॉइंट कि वो प्लेस कहाँ पर एग्जिस्ट करता है. अगर हमने सिर्फ साउथ बोला तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन अब इससे पता लग गया कि नो दैट प्लेस इज इन साउथ, बट इज दैट प्लेस डिफरेंस इज इट द टोंगा प्लेस इज एट वेस्ट एंड मॉरिशस आइलैंड इज एट इन ईस्ट. ओके, नाउ अगेन दे आर ट्राइंग टू मोर क्लैरिफाई that how the prime meridian and 180 degree meridian divides the earth into two equal halves. As I already told you, the eastern hemisphere and the western hemisphere, therefore the longitudes of a place is followed by the letter E, east, okay, and W for the west. Yes, we already discussed it. Now look at the grid of the parallels. Okay, what is grid? You can take this type of picture is known as grid. Okay, and this just because of latitudes and longitudes it is making a grid, or you can also call it coordinates. Okay, when jab aapse koi question puchega ki kya naam hai, which tell me the exact location of London, then he can also ask that tell me the coordinates of London. Okay, so the meaning of the same coordinate and fixed location is the same thing. Okay, yes, now you can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. For example,
Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. Find out the point where these two lines cut each other. That point will be the location of Dhubri. Yes. And now 26 degree. हमें अब इस पे focus करना है 26 degree north. Okay. North means upper side. Okay. And east means this side. Okay. Now where is 20? This is 20. There is 20 degree. And 20 and 40 के बीच में ही हमारा होगा 26 degree. Then now come here because हमें किससे ढूंढना है east में. Yes. अब east में अब again इसने बोला 90 degree. Okay. तो 90 degree तो हमारे इस picture में mention नहीं है, है ना? 90 degree east तो यहाँ पर mention है क्योंकि 80 degree दे रखा है. 90 degree इस बीच में होगा. ठीक है. अब इस यहाँ पर देखने के लिए तो हमें इस यहाँ पर जाना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, जस्ट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारा जो लोकेशन है, जैसे कि इसको समझने के लिए हमने इस चीज को यूज किया. हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारा जो 90 डिग्री है, 26 डिग्री है, 26 डिग्री नॉर्थ हमारा ये वाला प्लेस हो गया. ठीक है, 26 डिग्री नॉर्थ ये प्लेस हो गया और 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट हमारा ये प्लेस हो गया. ठीक है, तो 90 डिग्री ईस्ट एंड 26 डिग्री नॉर्थ, तो इट मीन्स हमारा जो आसान है वो हो सकता है इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर 26 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है वो 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड से मीट कर रहा है. तो हमारा जो धुबरी प्लेस हो गया वो हमारा इस प्लेस पर लोकेट हो गया. ठीक है, यस. अब जैसे कि यहाँ पर भी, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि अल्फाबेट के थ्रू मैंने उसे समझाया आपको, एज इट इज यहाँ पर भी सेम समझाया है कि नेम दीज स्मॉल सर्कल्स एज ए बी सी डी ई एंड लेट वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस एज नॉर्थ लैटिट्यूड्स. यू विल नाउ यू विल सी दैट सर्कल ए इज लोकेटेड एट बी डिग्री एन लैटिट्यूड एंड वन डिग्री ई लैटिट्यूड. ओके, अब जस्ट इफ आई विल आस्क, इफ समवन आस्क टू यू दैट व्हाट इज द लोकेशन ऑफ बी. ओके, एज दे टोल्ड अस ए का लोकेशन इन्होंने बताया. अगर आपसे कोई पूछे कि बी का लोकेशन क्या है तो आप क्या बताएंगे, डी डिग्री. ओके, दिस इज द लैटिट्यूड, डी डिग्री लैटिट्यूड, डी डिग्री इन नॉर्थ और साउथ. It could be not, yes, because there is no zero point. Okay, just imagine we calculated it as zero in equator. Okay. Now, then D point is in south. Yes, D degree south, and next 1 degree east. क्योंकि ये जो आपका पूरा ये पिक्चर जो ग्रिड बनाया है वो आपका बनाया है नॉर्थ ईस्ट साइड का ग्रिड. ओके, नॉर्थ ईस्ट साइड का ग्रिड है, इस वजह से इसको हम मेंशन कर रहे हैं. बट स्टिल मैंने इसको आपको जीरो, सी को हमने 0 degree जब काट दिया तो हमने इसको अपना बना दिया साउथ हेमिस्फेयर और इसको बना दिया हमने नॉर्थ हेमिस्फेयर. और इस हिसाब से हमारा जो डी है वो साउथ में है और साथ ही हमारा जो 1 degree ईस्ट में है वो हमारा पड़ रहा है ईस्ट. ओके okay, we will discuss next page in our another next video. Thank you.